बच्चों का गुस्सा बस हस्बैंड पे ही निकलता है। गुस्सा मुझे हर छोटी बात पे आता है, निकालती अपने हस्बैंड पे ही। सर जिसको भी आए हस्बैंड को ही पड़ेगा। बच्चों पे निकलता है, किस वजह से आता है? बच्चों से ही आता है और बच्चों पे उतरता है। ये नहीं हुआ कभी भाई पे उतरे, भाई पे भी उतर जाता है। भाई आगे पूछते हैं बेगम आज की बने खामोश, समझ आते हैं कि भाई आज गुस्से। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी सोने और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाजरीन आज मैं एक सवाल करने जा रही हूँ शादीशुदा औरतों से, उनसे मैं जानूंगी कि उनको किस बात पे गुस्सा आता है और किस वजह से आता है। तो आइए जानते हैं कि उनको किस बात पे गुस्सा आता है। ये बताएं कि सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पे आता है? बच्चों पर आता है, जब वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कैसे निकालते? कभी ऐसा हुआ हो कि बच्चों पर गुस्सा आया तो भाई आए उसको कई चीज़ मार दी? हस्बैंड पर निकालती हूँ अपने। कैसे? बस गुस्से से उनके साथ बात करके, वो कहते हैं क्यों ऐसे बात कर रही हो, तो वो बच्चों का गुस्सा बस हस्बैंड पे ही निकलता है, जाहिर सी बात है, और किस पे निकालना है फिर। सबसे ज़्यादा जब गुस्सा आता है मतलब के बच्चों का गुस्सा, तो कभी भी भाई ने लड़ाई की नहीं? वो फिर कहते हैं अल्लाह दा के टाल देते हैं, उन्हें पता है कि जाहिर सी बात है बच्चे तंग करते हैं, तो फिर वो भी कुछ नहीं कहते, वो बच्चों को ही समझाते हैं कि मामा को तंग ना किया करो। हाँ जी। खुशहाल लाइफ के लिए कुछ बताना चाहती हैं जो फीमेल्स इस टाइम के लाइफ के लिए? यही है कि जब गुस्सा आए हस्बैंड को या वाइफ को, दोनों में से किसी एक को गुस्सा आए तो दूसरा एक खामोश हो जाए, अगर दोनों बोलेंगे तो लड़ाई होगी, बात बढ़ेगी, यही है एक हैप्पी लाइफ का राज। जब आपको घर में गुस्सा आता है तो किस बात पर आता है और किस पर निकाल? जब काम की ज्यादती की जैसे ही गुस्सा आता है, और तो किसी बात पर नहीं होता। जब किस पे होता है? किस पे निकाल? बच्चों पे ही निकलता ज़्यादातर। ऐसा किया हो बच्चों का गुस्सा भाई पे निकाल दिया? नहीं नहीं, बच्चों का भी गुस्सा नहीं होता, वो वर्क लोड होता है जिसकी वजह इंसान थक के गुस्सा हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब गुस्सा आता है तो किस पे निकालती हूँ? किस पे निकालती हूँ मैं गुस्सा? निकालती नहीं हूँ मैं, खामोश हो जाती हूँ। किस बात पर ज़्यादा गुस्सा? ज़्यादा इतना असली थकावट की वजह से गुस्सा आ जाते हैं। हाँ जी। और कभी ऐसा हुआ हो कि भाई पे निकाल दिया? भाई पे निकाल दिया, हाँ ऐसा होता है, लेकिन वो इतना गुस्सा तो नहीं आता कभी वो, लेकिन ये खामोश हो जाती हूँ। हाँ जी। वो भाई आगे पूछते हैं बेगम आज की बने खामोश, समझ आते हैं कि भाई आज गुस्से। जी बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहती हैं जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हैं उनको, कि एक हैप्पी लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए? नहीं, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपस में कंप्रोमाइज़ करके और एक दूसरे को समझना चाहिए, तो इसी तरह जो ज़िंदगी जो है गुजार। जब घर में गुस्सा आता है सबसे ज़्यादा तो किस वजह से आता है और किस पर निकालते हैं? बच्चों पर निकलता है। किस वजह से आता है? बच्चों से ही आता है और बच्चों पर उतरता है। ये नहीं हुआ कभी भाई पे उतरे, भाई पे भी उतर जाता है। जब लास्ट वार्निंग होती है फिर उन भी उतर जाता है, जब बच्चे ना सुने तो। क्या कहते हैं स्टडी के बारे में? अक्सर बच्चों की स्टडी का मसला। आप उन पे गुस्सा निकालती हैं तो फिर उनका क्या आगे से राय होता है? वो कहते हैं एक चुप कर जाए, एक बोल रहा तो दूसरा चुप कर जाए। उन्होंने क्या बेगम लग गए रहो तो उसी की काट दे? नहीं नहीं, वो कहते ना हूँ मैं सो जाना, वहाँ तू बोलती रहा, मैं नींद पूरी होगी मैं उठ जाऊँगा। खुशहाल लाइफ गुजारने के लिए क्या करना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, सबसे बेस्ट है कॉम्प्रोमाइज़। अगर एक बोल रहा है तो सारी बताए, आजकल जो दो जा रहा है ना, यकीन करें वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला तो नहीं जा रहा, लेकिन करना कॉम्प्रोमाइज़ ये करना चाहिए मियाँ बीवी को आपस में। बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चों को भी समझ नहीं है, लेकिन आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। जब गुस्सा आता है घर में किस बात पर आता है और किस पर निकलता है? गुस्सा मुझे हर छोटी बात पर आता है, निकालती अपने हस्बैंड पर ही। कभी उन्होंने गुस्सा किया? हाँ करते हैं, दोनों गुस्से के तेज़ हैं। मेरे हस्बैंड बेचारे का देखिए नाजरीन, मनाना हस्बैंड को ही पड़ता है, मैंने इसीलिए कहा है कि गुस्सा जिसको भी आए हस्बैंड को ही पड़ेगा। शादी का लड्डू खा के कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा है, मिक्स है। मशवरा देना, जो लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और फैमिली में उनकी अनबन हो जाती है, तो उन लोगों को क्या मशवरा देना चाहती है कि एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी लाइफ गुजारने के लिए मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्रिटिसाइज़ कम करना चाहिए, जहाँ पे क्रिटिसाइज़ आ जाता है वहाँ पे फिर लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ये भी होना चाहिए कि बीवी को साफ सुथरा
साफ सुथरा भी और वेल ड्रेस भी रहना चाहिए, अपने आप को बना के रखना चाहिए ताकि शोहर भी खुश हो देखकर। ये ना हो के बाहर आप तैयार होके फिरते रहो और घर में आप ऐसे तरह निकाल दो। जी तो नाजरीन, आज मेरा मकसद आपको ये बताना था कि गुस्सा किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता, गुस्सा हराम है और गुस्सा करके इंसान ना सिर्फ अपना खून जलाता है बल्कि अपने साथ रहने वाली फैमिली का भी खून जलाता है। तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इंसान को प्यार मोहब्बत और सलूक से ही रहना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान एंकर सोनिया को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।